व्हाट्स अप गाइस, बॉटन बॉक्स की एक फ्रेश न्यू अनबॉक्सिंग वीडियो में आपका स्वागत है। और जैसे कि आप देख सकते हैं, ये रहा मेरे पास और एक नया पैकेज जो कि मैंने परचेज़ किया है अमेजोन से, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी बढ़िया डील मिल रही थी। और क्या है इस पैकेज में मैं आपको दिखाता हूँ, पहले ओपन कर लेते हैं। सो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये आता है इस ब्रांड की तरफ से, रोबस्टन नाम लिखा है और मैंने ओपन कर लिया हुआ है। सो ये रहा वो प्रोडक्ट। वैसे देखने में ये डायरी लग रहा होगा, पर ये डायरी नहीं, ये एक फ्लिप केस एक टैब के लिए। सो हालांकि मैंने एक नया टैब लिया है जो जिसका नाम है ओप्पो पैड है, जो कि ओप्पो का टैब है। सो उसके लिए एक अच्छा क्वालिटी का फ्लिप केस ढूंढ रहा था। सो मैंने ऑफलाइन में भी ढूंढा, ऑनलाइन भी ढूंढा, मतलब लगभग 2 दिन ढूंढने के बाद फाइनली मैंने डिसाइड किया कि ये वाला केस लूँगा, क्योंकि ऑफलाइन में मिल नहीं रहा था। ऑनलाइन में जो मिल रहे थे वो लगभग 300 से 400 रुपए के बीच में मिल रहे थे, और बेसिक से मेरे को नहीं लगता कि वो क्या कहते हैं उतना अच्छा पर्पस सर्व कर सकते थे। सो इसलिए मैंने ये वाले ब्रांड का मंगाया, क्योंकि ये काफ़ी दिखने में भी बढ़िया था और इसके रिव्यूज़ भी काफ़ी बढ़िया थे। तो ये वाला कॉफ़ी ब्राउन कलर में, वैसे इसमें बहुत सारे कलर्स अवेलेबल है, इसमें ग्रीन हो गया, ग्रे हो गया, पिंक हो गया, और एक वाइन रेड है। ये वाला कवर तो कॉफ़ी ब्राउन कलर है और ब्लैक में भी अवेलेबल है। सो काफ़ी सारे कलर ऑप्शन अवेलेबल है, इनकेस आपके पास अगर ये वाला टैब हो तो आप वो कंसिडर कर सकते हैं। तो डिज़ाइन में आप जैसे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है बोर्ड टाइम, मतलब एक डिज़ाइन बना हुआ है। और ऊपर का जो मटेरियल है ना, ये हल्का सा मतलब रबराइज्ड ऐसा फील होता है, और अंदर भी ये ग्रे कलर का रबराइज मटेरियल है, मतलब इसमें काफ़ी अच्छा ग्रिप है। सो आप आराम से, क्योंकि टैब 10.1 इंचेस का टैब है, तो उसके लिए क्या कहते हैं ग्रिप तो चाहिए होगा, तो ये ग्रिप अच्छा है। और बाकी ये TPU जैसे कि आप देखो शाइनिंग दिख रही है, बढ़िया क्वालिटी का, एकदम एकदम मतलब कह सकते हैं कि सबसे बेस्ट अगर फ्लिप केस आपको चाहिए होगा ओप्पो पैड एयर के लिए, तो आप ये वाला ही कंसीडर करना, क्योंकि आपको दूसरे मिलेंगे नहीं, ऑप्शन ही मतलब ज़्यादा ऑप्शन अवेलेबल है ही नहीं। सो बाकी ये वाला कितने में मिला है ये बता देता हूँ मेरे को। ये लगभग 500 से 600 के बीच में ऑफर में चलते रहता है, लगभग कभी 570 हो जाता है, कभी 549 हो जाता है, तो लगभग ये 500 से 600 में मिल जाएगा। और ये प्राइस बहुत वर्थ है, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन जाओगे तो 300 से 400 में ऐसे बेसिक से कवर मिल रहे हैं, जिसको मतलब दिखने में भी उतना खास नहीं है और शायद उतना अच्छा परफॉर्म ना करे। सो उसमें 100-200 एक्स्ट्रा लगाओगे तो प्रीमियम कवर, मतलब ये लॉन्ग लास्टिंग कवर आपको मिल जाएगा। वो इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि जिस पकड़ने में, फील करने में ही काफ़ी हैवी लग रहा है ये। सो ऑब्वियसली बात है, आप अगर एक अच्छा टैब ले रहे हो तो उसके लिए एक अच्छा कवर लेना बनता है। सो मैं टैब ला के इस पर इंस्टॉल करके दिखा देता हूँ, फिर बताता हूँ कि कैसा मतलब कटआउट्स वगैरह कैसे, मतलब इसमें परफेक्ट है या नहीं। सो ये रहा ओप्पो पैड है, जो कि मैंने कवर में लगा लिया है, और जैसे कि आप देख सकते हैं, और बंद करने के बाद, क्योंकि लगभग 470 ग्राम का तो सिर्फ टैब है, और ऑलमोस्ट कह सकते हैं ये आराम से कवर आराम से होगा 100 अराउंड 70 से 100 ग्राम्स, तो ऑलमोस्ट हाफ ए किलो के ऊपर ये फील होता है, और बहुत ही मतलब प्रीमियम टैब है, और कवर भी लगाने के बाद बहुत प्रीमियम फील होता है, जैसे कि देख सकते हैं आप, परफेक्ट लगता है। सो मैं इसमें पहले आपको ये दिखा देता हूँ कि कटआउट्स कैसे लगे। सो सबसे पहले चीज़, TPU ये फोल्डेबल TPU है, क्योंकि आप इसको खड़ा करके आप अगर मूवी देखना चाहते हैं, तो अपना काम करना चाहते हैं लेटे लेटे, तो वो यूज़ कर सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ इसमें ये लगी कि यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं, ये ग्रिप है, यहाँ पर भी है, ऊपर की तरफ भी है। सो आप जो भी एंगल में, जिस एंगल लगाना चाहें उस एंगल में लगा सकते हैं, क्योंकि ये पार्ट जो कवर का फ्लिप पार्ट है, वो नीचे का पूरा रबराइज है, तो वो ग्रिप आराम से उस पर कहीं भी स्टैंड करेगा। सो जैसे कि अब मैं दिखा रहा हूँ, कहीं भी स्टैंड कर रहा है ये, कोई भी एंगल पर स्टैंड कर रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। और कटआउट्स की बात करूँ तो ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं ये 2 स्पीकर है, एक्चुअली इसमें क्वाड स्पीकर्स हैं, 4 स्पीकर्स हैं, 2 ऊपर हैं, 2 नीचे हैं, तो दो ऊपर वाले स्पीकर्स का कटआउट देखो परफेक्ट है, और पावर बटन जो राइट साइड में है वो भी परफेक्ट है, और नीचे की तरफ के स्पीकर और चार्जिंग पोर्ट भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे भी देखो 2 और स्पीकर्स हैं, और एक टाइप सी का चार्जिंग पोर्ट है, उसका भी कटआउट परफेक्ट है, और राइट साइड में आपको ये वॉल्यूम बटन का कटआउट परफेक्ट मिल जाएगा। और यहाँ पे जो ये गैप दिख रहा है आपको, 2 डॉट दिख रहे हैं, ये एक्चुअली ये ओप्पो पैड के साथ अलग से आपको एक परचेज करना पड़ता है, ओप्पो पेंसिल, अगर पेंसिल का यूज़ करना चाहते हो तो उसके लिए पोर्शन भी दिया हुआ है, आप यहाँ पे इसको सेट कर सकते हैं, क्योंकि यूज़ करने के बाद मैग्नेटिक होता है, तो आप यहाँ लगा सकते हो, जो कि मेरे को काफ़ी बढ़िया लगा, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि दूसरे टैब में ये शायद ये वाला चीज़ मिलता, तो ये बारीकी की वजह से मेरे को बहुत पसंद आया। और तो और पीछे की तरफ मैं आपको जूम करके दिखा दूँ, सो यहाँ जैसे देख सकते हैं आप, इसमें 8 मेगापिक्सल का कैमरा भी मिलता है ये टाइप में। सो उसका कटआउट भी एकदम परफेक्ट है, सर्कुलर है, और पीछे का मटेरियल भी देखो जैसे कि देख सकते हैं परफेक्ट है। सो ओवरऑल ये वाला केस ओप्पो पैड एयर के लिए सबसे परफेक्ट था, क्योंकि दूसरे वाले नहीं मिलते। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि 2 दिन मैंने ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी सर्च किया, तब जाके मैंने डिसाइड किया कि ये लूँगा। वैसे मैं इसमें जितने भी कलर्स अवेलेबल हैं उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, इनकेस आपको चेक करना हो या परचेज करना हो तो वहाँ से परचेज कर सकते हैं। बाकी ये था ओप्पो पैड एयर के लिए सबसे बेस्ट कवर जो कि था। और आपको ये वीडियो कैसे लगा मेरे को जरूर से बताना, अगर वीडियो पसंद आया तो जरूर से लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।